हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एस के स्टडी चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो हम लोग एरिया को चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 31 क्वेश्चन तक कर लिया था, ठीक है। 31 क्वेश्चन में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकते हैं क्वेश्चन के पूछने के, मैंने वो भी बता दिए थे। और आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जो जो पॉसिबिलिटीज़ होंगी क्वेश्चन पूछने की हर एक क्वेश्चन में, मैं वो भी बताता चलूँगा। क्वेश्चन में जो पूछा वो तो बताऊँगा ही बताऊँगा, लेकिन इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर इस टाइप के क्वेश्चन में अगर कुछ और पूछा तो क्या पूछ सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, गाइस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। आपको देखो फ्री में कितना कुछ दे रहा हूँ, ठीक है। आप फ्री में ही पढ़ के एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, नौकरी ले सकते हो, माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हो, ठीक है। सीना चौड़ा करके चलोगे, माँ बाप आपके सीना चौड़ा करके चलेंगे, आपको कितना कुछ मिल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे भी कमेंट भी करते हैं कि उन्होंने, ठीक है, सिर्फ ये वीडियोस देख के ही एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है, ठीक है, ऐसा वो लोग वीडियो मतलब बोल रहे हैं, ठीक है। और देखो आगे रेलवे का भी एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है। आपने 10+2 दिया होगा, ठीक है, 10+2 में भी देखा होगा, ठीक है, जो एथमेटिक क्वेश्चन थे इसी में से आए थे, ठीक है। CISI के जो क्वेश्चन थे इसी में से आए, ठीक है। बाकी जितने भी क्वेश्चन थे, ठीक है, जो भी एथमेटिक थे इसी में से आए, ठीक है, बाहर से कुछ नहीं आया, ठीक है। और अगर आया भी होगा किसी शिफ्ट में तो वो थोड़ा एडवांस लेवल का आएगा, ठीक है। एडवांस लेवल मैं बोला था आपको कराऊंगा, लेकिन आप में से कोई वीडियो देखता ही नहीं है। मैं नंबर सिस्टम से मैंने स्टार्ट भी कर दिया था, ठीक है, बट आपको देखने का इंटरेस्ट ही नहीं है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं फिर से ये चैप्टर करा रहा हूँ, ठीक है। बस आपसे रिक्वेस्ट एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे इस चैनल से उतना बड़ा चैनल होगा, उतने ज़्यादा कंटेंट आपको मिलेंगे, फ्री में सब कुछ मिलेगा, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, 32 की तरफ। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, 2 लाइन का आंसर होगा जो भी है। क्या बोल रहा है, ऑफ द 2 स्क्वायर फील्ड, देखो 2 स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, कितने स्क्वायर फील्ड है, 2 स्क्वायर फील्ड है, दोनों क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। द एरिया ऑफ वन इज 1 हेक्टर, एक का जो एरिया है, एक स्क्वायर फील्ड का जो एरिया दिया है वो 1 हेक्टर है, कितना हेक्टर है, 1 हेक्टर है। वाइल द अदर वन, और जो दूसरा वन है, इज बॉर्डर बाय 1%, बोला ये दूसरा स्क्वायर फील्ड है वो पहले वाले से 1% ज़्यादा बड़ा है, मतलब उसका बॉर्डर, मतलब 1% वो मतलब क्या, स्क्वायर का चारों साइड बड़ा होता है तो वो चारों साइड से 1 सेंटीमीटर 1% ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है, समझ में, मतलब 1% ज़्यादा होगा उसका, ठीक है। तो अब देखो बोला डिफरेंस, द डिफरेंस इन एरिया इज, अब बोला है दोनों का डिफरेंस, एरिया का डिफरेंस क्या है वो, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको फिर से समझाता हूँ एक बार, क्या बोल रहा है, 2 स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, एक स्क्वायर फील्ड है, एक जो स्क्वायर फील्ड है उसका एरिया दिया है 1 हेक्टर, और जो दूसरा स्क्वायर है बोल दिया वो जो वो 1% बॉर्डर है, मतलब पहले वाले से 1% ज़्यादा चौड़ा है, तो बोल रहा है कि डिफरेंस क्या होगा दोनों का एरिया। तो गाइस बहुत ही सिंपल है, डायग्राम बना के बताता हूँ, आपको ज़्यादा इजीली क्लियरली समझ में आएगा। अब थोड़ा ध्यान से समझना गाइस क्वेश्चन को, देखो ये एक स्क्वायर फील्ड है, ये एक स्क्वायर फील्ड है, इसका एरिया दे दिया 1 हेक्टर, ठीक है, और ये बोल रहा है कि इससे 1 सेंटीमीटर 1% बॉर्डर है, ठीक है। अभी 1 हेक्टर का मतलब एरिया, 1 हेक्टर मतलब क्या, 10,000 मीटर स्क्वायर है ना, 10,000 मीटर स्क्वायर। अगर एरिया आपका 10,000 मीटर स्क्वायर है तो आप इस 10,000 को देख के बता सकते हो, तो लेंथ मेरा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और ब्रेथ मेरा कितना हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा, ठीक है। 100 × 100 10,000 नहीं होता, और कोई नंबर तो नहीं होता कि मल्टीप्लाई करके 10,000 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या, लेंथ हमने लेट 100 ले लिया, ब्रेथ हमने 100 ले लिया, अगर हम 100 × 100 करते तो वो कितना होता है, 10,000 होता है। अगर ब्रेथ और लेंथ मेरा इधर पे 100 100 है, अगर मैं इसका और दूसरा वाला बोल रहा है स्क्वायर, इसका 1% ज़्यादा है, अगर 100 का मैं 1% निकालूंगा, ठीक है, देखो सीधी सी बात है, ठीक है, सीधी सी बात है, स्क्वायर है तो ये अगर 100 होगा तो उसके चारों साइड भी 100 ही होंगे, ज़्यादा तो बड़ा हो नहीं सकता, स्क्वायर है, ठीक है। अगर ये 100 है मेरा, ठीक है, तो ये भी साइड भी 100 होगा, ये भी साइड होगा, ये भी हर साइड होगा, ठीक है। तो साइड स्क्वायर, तो एरिया स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है, तो साइड साइड कितना, 100 100 का हम स्क्वायर करेंगे तो 10,000 आएगा, तो मेरा साइड निकल आया 100। अभी बोल रहा है कि ये जो स्क्वायर है इसका जो साइड होगा इससे 1% ज़्यादा होगा, तो अगर हम 100 का 1% निकालते तो 1 होगा, अगर ये 100 है तो ये हो जाएगा 101,
है ना, 101 101 हो जाएगा, ठीक है 101 हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या डिफरेंस पूछा है, दोनों के एरिया का डिफरेंस निकाल दो, ठीक है, एरिया का, एरिया ऑफ डिफरेंस इन एरिया, यहाँ लिखते हैं डिफरेंस इन एरिया, ठीक है। तो इसका इसका बड़े से छोटा करेंगे तो इसका क्या था, साइड स्क्वायर माइनस साइड स्क्वायर, ठीक है। इसका साइड कितना है, 101 का होल स्क्वायर, इसका कितना है, 100 100 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 101, अगर हम 101 को 101 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आता है देखते हैं, ठीक है। जीरो से करेंगे 0 0 0, ठीक है, फिर 1 से करेंगे 1, ये 0 हुआ 1 0 1, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1 0 2 0 1। तो ये कितना हो गया गाइस, ये हो गया हमारा 1 0 2 0 1 माइनस, ये हो जाएगा 10,000, ठीक है। 10,000 में से 10,201 माइनस करेंगे तो 201 आएगा, तो डिफरेंस हमारा कितना आएगा, 201 स्क्वायर मीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो इस स्क्वायर का और इस स्क्वायर का जो एरिया का डिफरेंस था वो कितना है, 201 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कुछ था नहीं तामझाम, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस हमें क्या करना था, एरिया का डिफरेंस निकालना था। पहले वाले का एरिया दे दिया है और दूसरे वाले का साइड का बोल दिया है जो 1% ज़्यादा है, तो पहले वाले एरिया से हम लोग साइड निकाल लेंगे स्क्वायर का, जो साइड निकलेगा उसका 1% निकाल के ऐड कर देंगे। अब दोनों का साइड निकल गया, अब एरिया का डिफरेंस निकालेंगे, तो एरिया का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, साइड स्क्वायर माइनस साइड स्क्वायर निकल आया, अब जो माइनस करके आएगा वही हमारा आंसर होगा डिफरेंस, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में, देखते हैं 201 दिया है कि नहीं। तो गाइस देखो 201 दिया हुआ है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 33 नंबर की तरफ, क्या बोल रहा है 33। तो 33 नंबर क्या बोल रहा है गाइस, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल 144 मीटर लॉन्ग इज द सेम हैज द स्क्वायर ऑफ साइड्स 84 मीटर। देखो क्वेश्चन में लैंग्वेज भी सिंपल दिया है, जितना लैंग्वेज सिंपल है उतना ही क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है। अगर आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो तो इसको आप माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है। देखो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, ठीक है, क्या एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल है वो इक्वल है किसके, एरिया ऑफ स्क्वायर के। बट क्या बोल रहा है, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है उसका लेंथ दिया है 144 मीटर, और जो स्क्वायर दिया है वो है 84 मीटर। एक सेकेंड रुकना गाइस। अब ठीक है गाइस, क्या बोल रहा है देखो फिर से बता देता हूँ, बोल रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो 144 मीटर लॉन्ग है, मतलब जो रेक्टेंगल है उसका लेंथ दिया है 104, तो लेंथ दे दिया है 104, लेकिन जो इसका एरिया होगा वो सेम होगा स्क्वायर के एरिया से, जो स्क्वायर का साइड दिया है वो 84 है, मतलब दोनों का एरिया इक्वल तभी होगा जब लेंथ मेरा 144 होगा और स्क्वायर का जो साइड होगा 84 होगा। अगर लेंथ मेरा 144 दिया है रेक्टेंगल का, तो पूछा है रेक्टेंगल का ब्रेथ कितना है, ठीक है, समझ में आया मेरी बात, ठीक है। फिर से अगर नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट करके सुनना मैंने क्या बोला, सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा इसको करते हैं किस तरह करेंगे, देखो इस क्वेश्चन में यही बोला था, इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल है, लेकिन इसका जो लेंथ है इतना है और इसका जो साइड है इतना है, तो पूछा है इसका ब्रेथ कितना होगा, हमसे ये पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको करना क्या, हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये इक्वल होगा किसके, एरिया ऑफ स्क्वायर के बोल दिया है इक्वल होगा, ठीक है। तो हम इक्वल एरिया ऑफ स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, साइड स्क्वायर, ठीक है। लेंथ मेरा कितना दिया है 144, हमें ब्रेथ निकालना है, ब्रेथ निकालेंगे, साइड कितना दिया 84 का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से ब्रेथ निकालेंगे, 144 को इधर ले जाएंगे, 84 इंटू ये कितना स्क्वायर है, तो 84 इंटू 84 और इसको 144 करेंगे, ठीक है। अब देखो इसको काटो, किससे कटेगा, टू से पहले काटते हैं, ठीक है, टू से काटो, ये हो जाएगा 72, फिर टू से इसको काटते हैं 42, फिर टू से काटते हैं 36, फिर टू से काटते हैं 21, ठीक है। अब थ्री से इधर काट देते हैं, जो इसको
ठीक है, 3 से काटते हैं, 3 7 जा, और ये कितनी बार में जाएगा, 3 12 जा। ठीक है, अब इसको देखो, 12 1 जा, 12 7 जा, कट गया। अब ब्रेथ मेरा कितना आया गाइस, 7 × 7 इक्वल टू 49 मीटर। ठीक है गाइस, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, और कुछ था नहीं। अब यहाँ से आपसे ब्रेथ पूछा है, ठीक है, अब यहाँ से आपसे देखो क्या क्या पूछ सकता है। यहाँ से आपका, यहाँ पे आपका निकल गया, ठीक है, लेंथ निकल गया, यहाँ पे लेंथ दिया था, ब्रेथ निकल गया। अब आपसे पूछ सकता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, वो पूछ सकता है, ठीक है। फिर आपसे क्या पूछ सकता है, आपसे पूछता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर का डिफरेंस कित डिफरेंस सॉरी डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। हाँ, बस आपसे इतना ही पूछ सकता है, साइड तो दिया, आपसे ये भी पूछ सकता था, ये नहीं पूछता आपसे, सिर्फ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही पूछता, क्योंकि यही बन रहा है, ठीक है। अगर आपसे एरिया ऑफ स्क्वायर पूछता तो आपको ये देने का मतलब ही नहीं था, 84 स्क्वायर 84 दे देता साइड, आपसे डायरेक्ट पूछ लेता, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे एक ही चीज पूछ रहा है, ठीक है, लेंथ दिया है, ब्रेथ निकालना है, ब्रेथ निकालने के बाद पूछेगा कि इनका एरिया कितना है, या फिर एक और चीज पूछ सकता है, इन दोनों का रेशियो, ठीक है। आपसे ब्रेथ निकालने के बाद बोलेगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का रेशियो एरिया ऑफ स्क्वायर का रेशियो कितना है, ठीक है, समझ में आया, कितना है ये पूछ सकता था, रेशियो पूछ सकता था। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ऑप्शन में देखते हैं 49 दिया है कि नहीं। तो गाइस ऑप्शन में 49 मीटर दिया हुआ है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है। अ बरांडा 40 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर ब्रॉड इज टू बी पेव विथ स्टोन ईच मेजरिंग 6 dm by 5 dm, द नंबर ऑफ स्टोन्स रिक्वायर्ड। अच्छा, क्वेश्चन में देखो बोला क्या है, क्वेश्चन में बोल दिया है कि जो बरांडा है, ठीक है, वो आपका 40 मीटर एंड 50 मीटर ब्रॉड है, मतलब आपको लॉन्ग दे दिया, लेंथ दे दिया 14 मीटर 40 मीटर, और ब्रेथ दिया है 50 मीटर। अब आप उसको बरांडे को क्या करना है, स्टोन से भरना है, ठीक है, और स्टोन क्या होना चाहिए, उसका मेजर जो होना चाहिए वो 6 dm और 5 dm होना चाहिए। तो बोल रहा है कि नंबर ऑफ स्टोन्स कितने लगेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 dm में कितने मीटर होते हैं, तो आपको यहाँ पे बता दूँ, अगर 1 dm में 10 मीटर होते हैं, तो आपको यहाँ से पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, आपको पहले मीटर को क्या करना पड़ेगा, डीएम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आपको कन्वर्ट करते हैं। चलो तो गाइस देखो, ये आपका बरांडा है, रेक्टेंगुलर बरांडा है, इसमें हमें क्या करना है, स्टोन को भरना है, ठीक है। तो ये जो बरांडा है, इसका लेंथ दिया है 40 मीटर, और दिया है ब्रेथ दिया है कितना, 15 मीटर। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हम करेंगे ये जो 40 मीटर है, इसको हम डीएम में चेंज करेंगे। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि 1 मीटर इक्वल टू 10 dm होता है, हमें 40 मीटर लेंथ कितना है, 40 मीटर, तो इसको डीएम में चेंज करेंगे तो 40 × 10 ये हो जाएगा 400 dm। तो मेरा ये लेंथ कितना आया, 400 dm आया, क्लियर गाइस। अभी ब्रेथ कितना दिया है गाइस, ब्रेथ हमें दिया है 15 मीटर, ठीक है। अभी हम 15 × 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 150 dm, ठीक है। तो हम यहाँ ब्रेथ लिख देते हैं कितना, 150 dm, ठीक है। अब देखो गाइस, इसका एरिया, बरांडे का एरिया निकल आएगा, ब्रांडी का एरिया से हम क्या करेंगे, ठीक है, जो स्टोन है, ठीक है, स्टोन का एरिया जो है उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारा नंबर ऑफ स्टोन निकल आएगा, ठीक है, नंबर ऑफ स्टोन निकल आएगा ना, हाँ निकल आएगा, ठीक है। पहली बात तो हम, सॉरी गलत बोल दिया कि स्टोन का एरिया से नहीं, ठीक है, स्टोन का जो मेजरिंग है वो 6 dm × 5 dm है, इसका मतलब जो स्टोन होगा वो भी रेक्टेंगल शेप का ही होगा, ठीक है, वो भी रेक्टेंगल का शेप का ही होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का जो मेजरिंग है वो क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ स्टोन्स निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, इसका जो एरिया आएगा, ठीक है, इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 400 × 150,
फिर स्टोन का जो एरिया होगा जो मेजर करके आएगा, ठीक है, वो उसका वो भी तो रेक्टेंगल शेप का है स्टोन, ठीक है, 6 और 5, तो 6 और 6 और 5 कितना होता है, ठीक है, वो भी तो रेक्टेंगल का, उसका भी तो एरिया आएगा कुछ, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, 6 × 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब इसको काटो, ठीक है, देखो ये तो कट जाएगा कितनी बार में, 30 बार में, और ये कट जाएगा 5 बार में, ठीक है, तो इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2000 स्टोन, कितना आएगा गाइस, 2000 स्टोन आएगा, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था गाइस, इसमें कुछ था नहीं, बस आपको ये आप माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपको 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी DM पता है तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। डीएम होता क्या है, डीएम होता है डेका मीटर, ठीक है, 1 मीटर में कितने डेका मीटर होते हैं, 1 मीटर में 10 डेका मीटर होते हैं, तो आपने 40 मीटर को कन्वर्ट किया डेका मीटर में, 15 मीटर को कन्वर्ट किया डेका मीटर में, नंबर ऑफ स्टोन निकाला, नंबर ऑफ स्टोन निकालने के लिए आपने क्या किया, एरिया ऑफ बरांडा डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्टोन, ठीक है, जब आपने डिवाइड किया तो तब जाके आपको नंबर ऑफ स्टोन निकला 2000, तो ऑप्शन में देखते हैं 2000 दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है। तो गाइस ऑप्शन में देखो 2000 दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर इन द रेशियो ऑफ 5:3। देखो एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है, उसका जो लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो दिया है वो 3:5:3 दिया हुआ है, समझ में आया, मतलब लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दे दिया, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका रेशियो दे दिया है 5:3। द ओनर स्पेंट ₹3000 फॉर सराउंडिंग इट फ्रॉम ऑल द साइड्स एट ₹7.50 पर मीटर। देखो ओनर ने क्या किया है, ठीक है, ओनर ने ₹3000 खर्चा किए हैं उन उसके जो सराउंडिंग्स है उसके ऊपर, ठीक है, चारों तरफ जो है, ठीक है, लैंड के चारों तरफ जो होगा एरिया, उसके चारों तरफ का जो एरिया होगा कोने कोने का, उस पर खर्चा किया है, कैसे खर्च, ₹3000 खर्चा किया है, कैसे खर्चा किया है, ₹7.5 पर मीटर के हिसाब से, ठीक है। तो पूछा है डिस्टेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ, तो लेंथ एंड ब्रेथ का डिस्टेंस कितना है, ठीक है, वो हमसे पूछा हुआ है डिफरेंस कितना होगा लेंथ और ब्रेथ का। तो सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, करके दिखाता हूँ आपको। देखो गाइस इसको करेंगे कैसे, लेट सपोज देखो ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, क्या ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इस रेक्टेंगल के ये जो सराउंडिंग है ना इस पे उसने खर्चा किया है, तो ये जो सराउंडिंग है ये क्या एक्चुअली में रेक्टेंगल का पेरीमीटर ही तो है, उसने पेरीमीटर पे खर्चा किया है ₹3000, ठीक है, और पर मीटर स्क्वायर मतलब एक एक मीटर पे पर मीटर पे उसने 7.50 पैसा खर्चा किया, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि रेशियो कितना होगा लेंथ एंड ब्रेथ का, ठीक है, वो पूछा है, ठीक है, सॉरी लेंथ एंड ब्रेथ का मतलब डिफरेंस कितना होगा वो पूछा है। तो सबसे पहले लेंथ और ब्रेथ हमें दिया है, कितना दिया है, 5:3 दिया है। अगर हम लेंथ और ब्रेथ का टोटल निकालें तो टोटल मेरा कितना आएगा, टोटल देखो 8 है, लेंथ प्लस ब्रेथ 8 होगा। अगर डिफरेंस पूछा है, इन दोनों का डिफरेंस डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस मेरा कितना आया, 2 आया, ठीक है। अब 2 का कहाँ काम आएगा, 8 का काम कहाँ आएगा वो आपको मैं बाद में बताता हूँ। सबसे पहले अगर आपको टोटल खर्चा इतना दिया है और इतना इतना आप पर एक एक मीटर पे, ठीक है, एक मीटर अगर एक मीटर पे, ठीक है, आपको एक मीटर का निकालना है कि कितना रुपए लगा एक मीटर पे, ठीक है। तो सबसे पहले एक सेकंड रुकना गाइस, हाँ तो क्या ध्यान से समझना गाइस, देखो टोटल जितना भी मीटर होगा पेरीमीटर होगा उस पे इतना खर्चा हुआ है और एक मीटर पे इतना हुआ, तो एक मीटर जो होगा, ठीक है, अच्छा गाइस ध्यान से समझना, फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, एक मीटर पे इतना, एक मीटर जो एक मीटर पे जो खर्चा होगा इतना है, टोटल इतना खर्चा हुआ, तो हमें निकालना है कि टोटल जो ये जो एरिया है ये टोटल पेरीमीटर कितना होगा, ठीक है, इससे तो यही निकलेगा ना, अगर हम इसको टोटल से, ठीक है, इतने से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा टोटल जो लैंड होगा उसका जो उस पर जितना खर्चा होगा, ठीक है, वो इतना है, तो हमारा टोटल लैंड निकल आएगा।
तो बस वही निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे वन मीटर मत लिखना, ठीक है। तो वो टोटल जो आएगा वो यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब इसको काटो। ठीक है, ये देखो कितनी बार में 5 से काटेंगे तो 15 जाएगा, ये 2 जाएगा, ये कटेगा तो ये कितनी बार में जाएगा, 2 जाएगा, तो कितना आया टोटल 400। तो 400 मीटर पे आपका 3000 रुपये खर्चा हुआ है। 1 मीटर पे इतना हुआ है तो 1 मीटर पे अगर इतना हुआ है तो 4000 मीटर पे इतना हुआ है, तो हमें ये 4000 निकालने के लिए ही 3000 से 7.50 को डिवाइड करना पड़ा। समझ में आया गाइस? ठीक है, अब देखो ये हमारा इसे ये हमारा क्या निकला, ये हमारा पेरीमीटर निकला। ठीक है, क्या निकला गाइस? पेरीमीटर निकला। अब पेरीमीटर का क्या होता है फॉर्मूला, आप सबको अच्छे से पता है, 2l + b, ये कितना है 4400, ये कितना है 2l + b। ठीक है, यहाँ से काटेंगे तो ये आ जाएगा 200, तो l + b मेरा कितना आया 200। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ठीक है, l + b टोटल रेशियो कितना 8, तो 8 का वैल्यू 200 दिया है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 1 का वैल्यू 25 होगा, 8 को 8 से 200 को ऐसे डिवाइड करोगे तो 25 आएगा। अब पूछा था डिफरेंस, अगर 8 का वैल्यू 1 है तो 8 का वैल्यू 200 है, 1 का वैल्यू 25 है, तो डिफरेंस कितना था 2, तो 2 का वैल्यू कितना होगा, 2 का वैल्यू 25 × 2 = 50। ठीक है गाइस, 50 मीटर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ। देखो आपसे पूछा था लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया था, आपसे पूछा था ये, ठीक है, ये आपका जो टोटल इस पे जो टोटल खर्चा है आपका ये 3000 दे देता, और पर मीटर पे कितना खर्चा है 7.5, तो ये टोटल आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये टोटल क्या एक्चुअली पेरीमीटर, तो वो निकालना पड़ेगा। तो हमने लेंथ एंड ब्रेथ का क्या रेशियो का डिफरेंस ले लिया, टोटल भी हमने लिख लिया। ठीक है, तो हमने यहाँ से पहले तो पेरीमीटर निकाल लिया, टोटल रुपीस था उसको डिवाइड किया पर मीटर कितना लग रहा उससे, और इंटू 100 किया क्योंकि यहाँ से पॉइंट हटा, तो यहाँ से हमारा पेरीमीटर निकल गया। अब बस पेरीमीटर का फॉर्मूला डाला, पुट किया। ठीक है, तो 2l + b मेरा 200 आया, तो l + b मेरा कितना था रेशियो में 8 था, l + b 5 + 3 = 8। ठीक है, तो 8 का वैल्यू 200 है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 525, तो डिफरेंस कितना था 8, डिफरेंस हमारा कितना आया था 2, तो यहाँ से 2 का वैल्यू कितना आया 50। सिंपल सा क्वेश्चन था, चलो देखते ऑप्शन में 50 दिया है कि नहीं। तो गाइज ऑप्शन में देखो 50 दिया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, देखो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका जो लेंथ है, ठीक है, वो ब्रेथ का 2 गुना है। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 9√5 मीटर, अगर उस स्क्वायर प्लॉट का जो डायगोनल है उसका जो लेंथ है वो 9√5 मीटर है, तो पेरीमीटर क्या होगा उस रेक्टेंगल का। ठीक है, तो गाइस बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, करके दिखाता हूँ, ठीक है, कैसे करेंगे। तो गाइस देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, ये एक रेक्टेंगल है, बोल रहा है जो उसका ब्रेथ होगा, जो लेंथ होगा उस ब्रेथ का ट्वाइस होगा, अगर ब्रेथ में एक्स लेता हूँ तो लेंथ मेरा क्या आ जाएगा 2x, और उसका डायगोनल दे दिया है, क्या दे दिया है 9√5। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हम ब्रेथ को एक्स लेते हैं, लेंथ को मैं 2x लेता हूँ, और डायगोनल तो मेरा दे ही दिया है, डायगोनल 9√5 दिया। यहाँ से पाइथागोरस लगाएंगे, ठीक है, तो पाइथागोरस कैसे लगाएंगे, d² = l² + b²। ठीक है, तो d मेरा कितना है 9√5 का होल स्क्वायर आ जाएगा, l कितना है मेरा 2x², b कितना है x², इसको अगर हम करेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 5√5 का स्क्वायर कितना होता है 5, तो इंटू 5 करेंगे, ये हो जाएगा 4x², और ये हो जाएगा x². ठीक है, तो 81 × 5 = 4x² + x² 5x² होता है, यहाँ से 5 5 कट जाएगा, तो x² का वैल्यू आ जाएगा 81,
अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो रूट 81 इक्वल टू 81 किसका स्क्वायर रूट होता है, किसका स्क्वायर रूट होता है, 9 का होता है। तो x का वैल्यू कितना आया, 9 आ गया। ठीक है, अगर x मेरा 9 है तो मेरा ब्रेथ कितना हो गया, 9 हो गया, और लेंथ कितना हो गया, 2x। तो 2x इक्वल टू 2 × 9 18 हो गया। तो लेंथ मेरा हो गया 9 और ब्रेथ मेरा हो गया, सॉरी लेंथ हो गया 18 और ब्रेथ हो गया 9। ठीक है, अगर मेरा लेंथ और ब्रेथ निकल गया तो पेरीमीटर निकल आएगा यहाँ से अब मेरा। ठीक है, पेरीमीटर ही तो पूछा था एग्जाम क्वेश्चन में। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है, 2l + b। ठीक है, तो 2 लेंथ मेरा कितना है, 18, ब्रेथ कितना है, 9। ठीक है, तो 2 × 27 कितना होता है, 54। हमारा आंसर कितना है गाइस, 54 मीटर। ठीक है, तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ लॉजिक वॉजिक कुछ नहीं था, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, तब इजीली कर लोगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑप्शन में, देखते हैं 54 दिया है कि नहीं। तो गाइस ऑप्शन में देखो 54 मीटर दिया हुआ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग अ स्क्वायर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹160 पर हेक्टर इज ₹1440। देखो क्वेश्चन में बोल दिया है कि एक जो स्क्वायर फील्ड है उसका जो उसको कल्टिवेट करने का जो कॉस्ट है वो 160 पर हेक्टर है। 100 कितना आ रहा है, 1440 रुपीज़ आ रहा है। ठीक है, पर हेक्टर कितना है, 160 पर हेक्टर है, और जो टोटल कॉस्ट आया है ठीक है कल्टीवेट करने का वो 1440 है। तो बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ पुटिंग अ फेंस अराउंड इट एट ₹750 per meter इज, बोल रहा है अगर ठीक है उस स्क्वायर फील्ड के चारों तरफ फेंस लगाना है तो उसका कॉस्ट टोटल कितना आएगा। अगर पर मीटर के हिसाब से 7.50 है तो टोटल कॉस्ट कितना है वो निकालना है। ठीक है गाइस, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, करना कैसे, ठीक है वो पहले निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें एरिया पता होना चाहिए, इसका एरिया कितना होगा। एरिया एक बार निकल आएगा ठीक है तो आपका हर चीज़ आराम से निकल आएगा। ठीक है, चलो देखो इसको करेंगे कैसे गाइस। लेट सपोज ये स्क्वायर है, एक ये एक स्क्वायर है ठीक है, ये क्या है, ये एक स्क्वायर है समझे। चलो लेट मैं इसका एरिया, लेट मैं इसका एरिया क्या मानता हूँ, एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, एक्स मान लिया, और आपको पता है ये बात, वन हेक्टर इक्वल टू 10,000 मीटर होता है, ये तो आपको पता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है सबसे पहले हम इसका एरिया निकालेंगे। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा ध्यान से देखना। कॉस्ट देखो, कॉस्ट क्या बोल रहा है, कॉस्ट बोल रहा है कि 160 पर हेक्टर, ठीक है हेक्टर कितना दिया है, 10,000। ठीक है, उसके हिसाब से, ठीक है देखो क्वेश्चन में साफ साफ आपको क्या बोला था, आपको बोला था कि जो रेट है ठीक है कल्टीवेट करने का, ठीक है देखो कल्टीवेट करेंगे तो क्या करेंगे, इस स्क्वायर फील्ड के अंदर ही करेंगे। ठीक है, यहाँ यहाँ ये पूरी जगह करेंगे कल्टीवेट इसको, तो इसको जो कल्टीवेट करेंगे तो ये पूरे फील्ड का एरिया तो कल्टीवेट हो रहा है, तो इसका कल्टीवेशन का जो टोटल कॉस्ट है ठीक है वो दे दिया है 160 पर हेक्टर। ठीक है, समझ में, अगर हम 160 रुपीज़ को ठीक है हेक्टर से डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल आएगा। और टोटल कॉस्ट कितना दिया है गाइस, टोटल कॉस्ट जो दिया है वो कितना दिया है, वो दे दिया है आपको 1440। ठीक है, टोटल कॉस्ट दिया हुआ। ठीक है, अब ध्यान से समझना। ठीक है, इसका ये जो है ठीक है इसको हमें मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। ये एक्चुअली में किया कहाँ, इस स्क्वायर फील्ड के एरिया पे किया, तो इंटू एरिया करेंगे, है ना, इंटू एरिया करेंगे। ठीक है, अब देखो कॉस्ट आपको दे दिया है पर हेक्टर के हिसाब से इतना रुपए लग रहा है, तो इसको एरिया कहाँ लग रहा है, स्क्वायर फील्ड के एरिया पे लग रहा है, तो इंटू एरिया करेंगे। ठीक है, अब इसको बस आप सॉल्व करते जाओ, देखो जैसे जैसे सॉल्व करोगे आपका आंसर आता जाएगा। इसको काटो, ठीक है काट दिया, देखो ये किससे जाएगा, इसको काटो, देखो ये जाएगा कितनी बार में,
8 बार में, ये जाएगा 72 बार में, इसे काटो 1 बार में, इसे काटो 9 बार में। तो देखो 9 × 10,000 एक्स इधर चला जाएगा, 9 × 10,000 ये हो जाएगा 90,000। ठीक है, तो इसका एरिया कितना है गाइस, 90,000, मतलब 90,000 पर, ठीक है, कल्टीवेट करने पे इतना टोटल कॉस्ट आया। ठीक है, अब साइड, ठीक है, एरिया मेरा निकल गया इसका। अब यहाँ से मैं साइड निकाल लूँगा। ठीक है, जब एरिया निकल गया तो साइड निकालने में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, साइड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो एरिया था 90,000 साइड स्क्वायर, तो साइड मेरा कितना हो जाएगा गाइस, ठीक है, 90,000 रूट में जाएगा तो ये हो जाएगा 300। तो ये जो इसका जो साइड आया मेरा, ये कितना आया, 300 300 300 300। ठीक है, तो सबका साइड कितना आएगा गाइस, 300 300 300। अब हमसे पूछा क्या गाइस, क्वेश्चन में पूछा था पेरीमीटर, तो यहाँ से हम पेरीमीटर निकाल लेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का सबको फॉर्मूला पता है, 4 × साइड। ठीक है, तो 4, साइड मेरा कितना है 300, तो पेरीमीटर कितना है 1200। ठीक है, 1200 क्या, 1200 मीटर में है ना गाइस, 1200 मीटर में है। ठीक है, तो पेरीमीटर आया। अब गाइस पेरीमीटर हमने निकाला क्यों, पहले वो समझो, क्वेश्चन में पूछा था, क्वेश्चन में पूछा क्या था, क्वेश्चन में पूछा था कि इन स्क्वायर फील्ड के चारों तरफ फेंस करना है, तो ये एक्चुअली में क्या है, पेरीमीटर है, तो इसलिए हमने यहाँ पे पेरीमीटर निकाला। ठीक है, पूछा पेरीमीटर नहीं था, पूछा था कि फेंस लगाना है बाउंड्री के चारों तरफ, तो बाउंड्री क्या होता है, पेरीमीटर होता है, तो इसलिए हमने पेरीमीटर निकाला। अब फेंस करने का जो प्राइस है पर मीटर स्क्वायर, वो 7 पर मीटर कितना दिया, 7.50। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा फेंस का, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंस, तो हम क्या करेंगे 1200 को, सॉरी एक सेकेंड, 1200 को क्या करेंगे, 7.50 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट हटेगा, 20 कटेगा। ठीक है, अब 12 × 750 करने से हमारा आंसर कितना आता है, 900 रुपीज़। ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं 900 रुपीज़ दिया है कि नहीं, सॉरी गाइस 900 नहीं 9000 था। ठीक है, तो 9 देखते ऑप्शन में 9000, यहाँ पे देखो गाइस दिया हुआ है 9000। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतने ही रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 38 से, तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल में जोड़े ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, जितना बड़ा चैनल होगा उतना ज़्यादा, ठीक है, आपका प्यार मिलेगा उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा प्यार मिलेगा उतना ज़्यादा कंटेंट मिलेगा। ठीक है, फ्री के कंटेंट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा गाइस। ठीक है, कोई भी पैसे आपको यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा, ये जो चैनल है ना गाइस टोटली फ्री चैनल है। ठीक है, इस चैनल में कोई भी पैसे आपको देने नहीं पड़ रहे, कहीं पे भी नहीं देने पड़ रहे। ठीक है, चलो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 38 से।